बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार जोहार। कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग के पशुपालक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से ले सकते हैं कई लाभ। चतरा के किसानों को छोटे कृषि उपकरण बैंक के लिए दी जा रही है आर्थिक मदद। नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा चिकनी। अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग जिला में ग्रामीण स्तर पर गौपालन के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुदान पर 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय, हस्तचालित चारा कटर, विद्युत चालित चारा कटर मशीन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पनीर और खोआ मेकिंग यूनिट, काउ मैट, डीप बोरिंग, संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीतवर्धक सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके लिए हजारीबाग जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। चतरा जिला में महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, कृषक समूह, लैंप्स और पैक्स छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए 80% अनुदान पर कृषि उपकरण ले सकते हैं। छोटे कृषि उपकरण बैंक की कुल योजना लागत 6,25,000 रुपए प्रति इकाई है। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए चतरा जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। सब्जी फसलों सहित अन्य फसलों में माहो, जेसिड, सफ़ेद मक्खी जैसे रस चूसने वाले कीट लगते हैं। इन रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए जैविक उपचार करें। इसके लिए प्रति 4 डिसमिल भूमि पर 1 पीला चिपचिपा ट्रैप लगाएं। किसान बंधु, अगर मान लीजिए कि उनके खेत में हम लोग देखते हैं कि रस चूसने वाले कीटों का जब ज़्यादा आक्रमण होता है तो वो पीला जो है चिपचिपा क्रोमेटिक ट्रैप आता है, येलो जो है क्रोमेटिक ट्रैप, जो उसको वो लगा सकते हैं। तो वो कोशिश करना चाहिए कि उनका जो है 4 से 5 डिसमिल का क्षेत्रफल पे अगर एक जो A4 साइज का पेपर आता है उसमें ग्लू लगा हुआ होता है दोनों तरफ, अगर उसको इंस्टॉल करते हैं तो लगभग जो है जो भी रस चूसने वाले कीट हैं, वाई फ्लाइट है, सफ़ेद मक्खी है, जाए जिसको हम लोग बोलते हैं जसीड है, माहू है, तो वो सब उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे जो है चिपक जाते हैं, तो उनका वो फसल को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये कोशिश करना चाहिए कि कम से कम जो है 25 से 30 दिन के बाद जब फसल हो जाएगा तब उसको इंस्टॉल कर लें, उससे फसल नियंत्रण। लतेदार सब्जी फसल नेनुआ की अगात खेती के लिए आप अभी से लेकर जनवरी तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में अगात नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पूसा सुप्रिया लगाएं। नेनुआ की अगात खेती के लिए तैयार बिचड़ा भी लगा सकते हैं और सीधे खेत में बीज बुआई भी कर सकते हैं। बिचड़ा लगाएं या बीज बुआई करें, अनुशंसित बीज दर और दूरी का पालन जरूर करें। इसके लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर लगाएं। उन्नत प्रभेद पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पूसा सुप्रिया की उत्पादन क्षमता औसतन 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अभी बसंतकालीन खेती के लिए कई फसलों की बुआई का उपयुक्त समय है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेतों में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आइए जानते हैं मिर्च फसल के बीजोपचार के लिए किस दवा का उपयोग करें।
किसान भाइयों, आप किसी भी मौसम में मिर्च फसल की खेती करें, इसे रोग और कीटों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज की दर से 5 मिलीलीटर स्यूडोमोनस फ्लोरोसेंस सॉल्यूशन दवा का उपयोग करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारी प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियां तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। झारखंड के किसान गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे वो अधिक मुनाफा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उसका यह भी कारण हो सकता है कि उन्नत प्रभेदों का सही चयन नहीं करना। अगर हमारे किसान उन्नत प्रभेदों का सही तरीके से चयन करें तो अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, इसी के बारे में हम आपको देंगे और विस्तार तरीके से जानकारी। तो चलिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं स्टूडियो से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, धान की खेती हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो अपने खेतों में गेहूं की खेती करते हैं, बहुत सारे खेत अभी खाली नहीं भी हुए हैं और बहुत सारे खेत खाली हो गए हैं। तो गेहूं की खेती का ये उपयुक्त समय है या नहीं है, गेहूं की खेती के लिए आप किन प्रभेदों का चुनाव करें, किस तरह से आप सिंचाई करें, इन तमाम बातों पर हमारी आज चर्चा होगी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परवेज आलम। डॉक्टर परवेज आलम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में शस्य विभाग में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार और जोहार किसान भाइयों। किसान भाइयों, इस विषय पर हम तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात जो हमने आज कही कि धान की खेती तकरीबन हो चुकी है, बहुत जगहों पर खेती ये कट भी रहा है, बहुत जगहों पर काट चुके हैं किसान भाई, सबसे पहला कि लगाने का उपयुक्त समय कब से कब तक का रखें ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। देखिए, लगाने का जो उपयुक्त समय है वो चल रहा है, है ना जी। हम वैज्ञानिक बोलते हैं या हमने पाया है कि धान को लगाने के लिए 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर ये सबसे उपयुक्त समय होता है धान का समय से बुआई के लिए। ठीक है, गेहूं का समय से बुआई के लिए, सब माफ कीजिएगा, गेहूं के समय से बुआई के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर आप थोड़ा सा 4 महीना पीछे जाएं तो मौसम की अनियमितता, मानसून की अनियमितता, देर से पानी मिलना, तो क्या हो रहा है कि धान हमारा लेट से लग रहा है। आज जब धान लेट से लग रहा है तो देर से खेत भी खाली हो रहा है, तो उस हालत में गेहूं को जगह थोड़ा सा कम मिल पा रहा है। मतलब गेहूं का जो समय के लिए जो जगह मिलना चाहिए वो कम मिल पा रहा है, इस चक्कर में गेहूं का जो पैदावार है वो काफी प्रभावित हो रहा है ना। बिल्कुल। तो पहला काम ये करना है, मैं समझता हूं कि अगर इसी साल अगर मानसून की बात करें तो इस बार हमको ठीक ठाक लगता है मानसून समय पर आ गया था। ठीक है, बीच में कुछ पानी नहीं मिला था, लेकिन अगर धान किसान भाई समय पर लगा लिए होंगे तो अभी वो पक करके तैयार होगा। हो सकता है कुछ किसान भाई काट भी लिए हों, लेकिन अगर नहीं काटे हैं तो मैं आपके माध्यम से किसान भाई से अनुरोध करूंगा कि आप यथाशीघ्र अपने खेत से धान के फसल को काट के हटाइए और उसको सुरक्षित रखने के बाद पहले आप गेहूं लगाइए, उसके बाद उसका जो बाकी काम है वो आप पूरा करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसा बोल रहे हैं कि आप धान काट लें उसके बाद लगाना शुरू करें, तो इसमें खेत की तैयारी किस तरह से करें, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए किसान भाइयों को ताकि बाद में कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है नमी का होना। ठीक है, तो करते क्या है किसान भाई कि आप आज धान का फसल काट लिए और उसके बाद उसको जाके दौनी करेंगे, मड़ाई करेंगे, भंडारण भी कर लेंगे, उसके बाद आएंगे खेत पर हल चलाने के। इस बीच एक समय निकल गया, एक अच्छा खासा 15-20 दिन का समय निकल जाता है, और इस उस 15-20 दिन में जो धान के समय में जो नमी था वो नमी वहां से उड़ जाता है धूप के प्रभाव में आने से। तो हमको ये कोशिश करना है कि वो जो नमी, चूंकि धान की फसल जब खड़ी रहती है तो वो उस नमी को रोक के रखती है ना, तो जैसे ही आप काटते हैं तो वहां पे क्या करें कि उस नमी का लाभ उठाने के लिए आप दूसरे ही दिन या तीसरे ही दिन आप उसमें, अगर आप परंपरागत विधि से करना चाहते हैं तो जुताई कर दें खेत की अच्छी तरह से, 2 से 3 बार जुताई कर लें, है ना, गोबर सड़ी हुई गोबर की खाद 4-5 टन जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल दें उसमें। और अगर आप जीरो टीले से खेती करना चाहते हैं तो फिर आप जीरो टीले से भी आप लगा दें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि जो पहले से जो खेत में नमी है उसका हम उपयोग करें ताकि कम से कम उस नमी से जर्मिनेशन हो जाए।
है ना, क्योंकि देखिए धान जो है रबी सीजन का क्रॉप है और रबी सीजन में हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है। इक्का दुक्का बारिश हर साल जाड़े में मिलता है लेकिन उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि हमको बारिश मिलेगी ही, और इस पर 5-6 सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो प्रदेश है इसमें मात्र 12% ही एरिया ऐसा है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ 12 सिंचाई पर भी डॉक्टर साहब हम बात करेंगे, लेकिन जो आप बता रहे थे विधि के बारे बता रहे थे कि लगाने की विधि, तो जैसे आपने बताया कि अभी जो ये है तो उसमें कौन सा विधि का उपयोग करें, किस तरह से गेहूं को मतलब छिटक कर लगा दें या किस तरह से लगाएं? नहीं देखिए मैंने आपको अभी कहा कि या तो आप पारंपरिक विधि से तो खेत को जोत लीजिए, खेत को जोत लीजिए उसमें कंपोस्ट मिलाइए, अच्छी तरह से उस कंपोस्ट मिलाने के साथ ही जोतिए, उसके बाद अच्छी तरह से उसको पाटा कर लीजिए। पाटा करने के बाद ये ध्यान रखना है कि उसमें किसी कहीं पर भी ज्यादा स्लोप ना हो, है ना, ये बीच में गड्ढा ना हो क्योंकि पानी जमेगा तो उससे फसल को नुकसान होगी, है ना, और एक 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 समान स्लोप खेत में आप देने की कोशिश करें ताकि इरिगेशन करने में आपको आसानी हो, मतलब सिंचाई देने में। अब मान लीजिए कोई एरिया ऊंचा है कोई एरिया नीचा, पानी 18 तो पानी तो नहीं जाएगा उस तरफ ना, तो इस चीज का कहने का मतलब एक समतल बहुत कम मात्रा में स्लोप आप फील्ड में दें ताकि आप सिंचाई की व्यवस्था अच्छी से कर सके, पहली बात। दूसरी बात, धान को जब भी लगाएं तो पंक्तियों में लगाएं, गेहूं को जब भी लगाएं कीजिएगा, धान अभी कटा नहीं है तो जबान पे चढ़ जा रहा है, गेहूं जब भी लगाएं तो पंक्तियों में लगाएं, क्योंकि अगर पंक्तियों में आप नहीं लगाएंगे तो बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं जैसे खरपतवार का निकालना, निकाई गुड़ाई करना, ये सब करने में आपको दिक्कत होगी। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, छिटकौआ विधि से गेहूं लगाते हैं, बिल्कुल यही हम जानना चाह रहे हैं। तो छिटकौआ विधि से जब गेहूं लगाते हैं तो उसमें आप बीच में किसी तरह का कृषि कार्य नहीं कर सकते, है ना, और खरपतवार निकल रहा है तो भी मुश्किल, आप कैसे निकालेंगे, आप अगर उसमें बीच में घुसेंगे तो आप अपने पौधे को भी नुकसान पहुंचाएंगे, तो छिटकौआ विधि बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, पंक्ति में आप जरूर लगाएं ताकि फसल के बढ़ने के क्रम में जो भी कृषि कार्य आपको करना है वो आसानी से आप कर सकें। बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो जो आप पाटा लगाएं तो उसमें ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं हो, सही हो, और दूसरी बात कि पंक्ति में लगाना ज़्यादा फायदेमंद होगा ताकि पैदावार अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको प्रभेदों की सही जानकारी नहीं हो पाती है, उसका काल क्या होगा, कौन कौन से प्रभेद लगाएं, उसमें क्या विशेषताएँ हैं, इन बातों की जानकारी नहीं हो पाती है। आपके माध्यम से हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि प्रभेदों का अगर चुनाव करें तो किन किन प्रभेदों पर जोर दें, क्या लाभ होगा? देखिए, प्रभेद ऐसा होना चाहिए जो 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाए। बिल्कुल ठीक है, समय महत्वपूर्ण है, समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अभी चल रहा है दिसंबर का 8 तारीख, ठीक है, दिसंबर के बाद मार्च जैसी खत्म होता है आप देखेंगे कि उस समय टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है, बिल्कुल, है ना, पछिया हवा इतनी तेज चलती है और पछिया हवा आपको मालूम है कि बहुत शुष्क टाइप की होती है, मतलब ड्राई इन नेचर होता है, और अगर उस समय तक पौधा जो है मैच्योर नहीं हुआ रहता है, गेहूं का फसल अगर पक के तैयार नहीं है तो वो क्या करता है कि फसल को जबरन तैयार करा देता है, मतलब वो फसल तैयार नहीं हुआ लेकिन उसका मॉइस्चर लेकर के हवा जो है वो निकल जाता है, तो उससे क्या होता है कि दाना जो है सही नहीं बनता है, पुष्ट नहीं बनेगा, मतलब समय से पहले उसको पीला हो गया वो। तो इस चीज़ से बचने के लिए वैसा प्रभेद जो 110 से 115 दिन 120 दिन, अब डिपेंड करता है कि किसान भाई कब लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, 15 नवंबर को लगा रहे हैं तो आप 120 दिन का लेके चलिए, अगर आप 15 दिसंबर के बाद लगा रहे हैं तब आपको जाहिर सी बात है कि आपकी ड्यूरेशन को थोड़ा घटाना पड़ेगा, यानी 100 दिन का आपको सोचना पड़ेगा, तो चुनना पड़ेगा। बहुत जगह तो मैंने देखा है कि किसान भाई जनवरी तक लगाते हैं, 7-8 जनवरी तक गेहूं की खेती कर ही रहे हैं, ठीक है करना है तो करिए, नहीं से तो कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन वहां पर फिर और कम ड्यूरेशन का प्रभेद आपको लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे आप उधर बढ़ रहे हैं तो अवधि कम अवधि वाले बीज चुनाव ये महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो अप्रैल में मार्च के एंड से अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो पछिया हवा चलती है वो फसल को काफी नुकसान पहुंचा देती है, ठीक है। अब उसमें कुछ प्रभेद हैं जो अगर आप कहें तो हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि किसान ऐसे किसान है जिनका समय पर खेत खाली है, जैसे अभी का समय है तो वो
सिंचित अवस्था में लगाना चाहते हैं, मान लीजिए उनके पास इरिगेशन की व्यवस्था है ना, और समय भी अभी अनुकूल है, तो उस हालत में K1006 है ना, K0307 DBW39 बिरसा गेहूं 3, ये जो वैरायटी है ये यहाँ के अनुसार के लिए, इस क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा वैरायटी है और ये हर जगह आपको आसानी से उपलब्ध भी है, आप इसको लगा सकते हैं सिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र में समय से लगाने के लिए। लेकिन अब मैंने कहा ना 12% इरिगेशन है, ज्यादातर किसान हमारे वैसे हैं जिनके पास सिंचाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिंचाई नहीं है, सिंचाई कम है, कम है ना, वो एक सिंचाई दे सकते हैं, दो सिंचाई दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए भी उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए K1317 है ना जी, K1317 HD3171 HI1612 याद रहेगा, HI1612 ये बहुत ही अच्छे प्रभेद माने जाते हैं टाइमली सोन अनइरिगेटेड के लिए, मतलब जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, कम सिंचाई है। अब मान लीजिए मैंने जो कहा कि दिसंबर एंड और जनवरी की बात हो रही है जो काफी लेट है, जिसको हम लोग लेट बोलते ही हैं, तो उस हालत में थोड़ा सा किसान भाई को बड़ा सावधान रहने की जरूरत है, वहां पे सारा वैरायटी किसी को डालना नहीं है, वहां पर नुकसान हो जाएगा आपका। उसके लिए सबसे बेस्ट वैरायटी मैं एक ही दो बता रहा हूँ, HI1563 को आप अगर जनवरी 7-8 तक भी लगाएंगे ना तो ये आपको 20 से 25 क्विंटल यील्ड दे करके जाएगा, ठीक है। उसके बाद HI सीरीज का एक और वैरायटी है 1544 है ना, इसको भी आप लेट सोन में कंडीशन में आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो सारी बातों का एक निष्कर्ष ये निकलता है कि समय को आप ध्यान रखें और समय के हिसाब से प्रभेदों का चुनाव करें, अन्यथा पैदावार अच्छी नहीं, पैदावार तो होगी ही लेकिन बहुत अच्छी पैदावार आपको नहीं मिल पाएगी, ये महत्वपूर्ण बात हो गई डॉक्टर साहब। इसके बाद सिंचाई की जब आप बात कर रहे हैं तो कितना सिंचाई गेहूं के लिए सिंचित क्षेत्र में, जैसे आपने बताया कि 12% क्षेत्र में ही ये व्यवस्था होती है, तो मूल रूप से सिंचाई कितनी देनी चाहिए अगर उपलब्ध है पानी तो, और नहीं तो न्यूनतम कितना, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सिंचाई गेहूं में टोटल 6 लगते हैं। अगर आपने बुआई के समय, गेहूं के बुआई के समय पहले का जो नमी है उसको आपने यूज कर लिया है, मतलब आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो गया है, अंकुरण हो गया है, उसके बाद तब आपको 6 सिंचाई लगेगा जी। अगर जर्मिनेशन नहीं हुआ है, यानी आप उस समय खेत में गए हैं जब वहाँ से नमी बिल्कुल उड़ चुकी है, तब तो 1 सिंचाई आपको जर्मिनेशन के लिए भी देना पड़ेगा ठीक है। लेकिन जो सिंचाई जर्मिनेशन के लिए दे रहे हैं उसको हम सिंचाई में काउंट नहीं करेंगे, वो चूंकि जरूरी था उसको अंकुरण होने के लिए इसलिए हमने दिया वहाँ पर। इसीलिए मैं चर्चा के प्रारंभ में ही कहा था कि जो धान के बाद जो नमी है उसको जरूर उपयोग होना चाहिए, ठीक है। तो अब पहली सिंचाई जो है जब फसल 21 दिन का हो जाता है ना, तब पहली सिंचाई करना चाहिए, फर्स्ट सिंचाई। उसके बाद अगर 45, उसके बाद किसान के पास पानी का, मैं उस किसान के लिए बता रहा हूँ जिनके पास पानी उपलब्ध होता है ना, पानी का कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला सिंचाई 21 पे करें, 21 दिन पे, दूसरा 45 दिन पे करें, तीसरा 65 दिन पे करें, चौथा जो है वो 85 दिन पे करें है ना, और पांचवा जो है 105 दिन पे करें, और अगर 120 दिन का वैरायटी है तो उसके बाद सिंचाई करने की जरूरत नहीं है, और एक जो आपने अंकुरण के लिए डाला है तो 6 सिंचाई। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि ये 6 सिंचाई जिनके पास उपलब्ध है, लेकिन मान लीजिए कि सिंचाई बहुत कम उपलब्ध है तो कितनी सिंचाई देनी चाहिए और कब देनी चाहिए, बहुत संक्षिप्त में। अगर हमारे किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 सिंचाई देने के लिए पानी है, तो आप 21 दिन पर पानी डालिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका फसल अच्छा होना चाहिए। ठीक है कि सिंचित के बराबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1 सिंचाई में आपको उसकी आधी मात्रा तो अवश्य मिल जाएगी, बशर्ते आपने वैसा प्रभेद लगाया हो जो असिंचित अवस्था में अच्छा करता हो। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। तो चुनाव जब कर रहे हैं तो असिंचित और सिंचित का ध्यान जरूर रखें जब प्रभेदों का चुनाव कर रहे हैं। इसके अलावा क्या संदेश देना चाहेंगे आप किसान भाइयों को? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए एग्रीकल्चर में, कृषि में हम लोग जुड़े हुए हैं और इसमें बहुत तरह के इनपुट लगते हैं है ना, जैसे
आपका श्रम है, आप बीज खरीदते हैं जी, आप खाद खरीदते हैं, आप दवाइयाँ खरीदते हैं, आप लेबर खरीदते हैं, आप पानी खरीदते हैं, आप ट्रैक्टर हायर करते हैं, कहने का मतलब हर एक चीज के लिए आपको पैसा देना पड़ता है जी। लेकिन एक चीज ऐसा है जिसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, वो है समय। समय समय का सदुपयोग कीजिए, और मैं समझता हूँ कि जो किसान समय के प्रति जागरूक हैं उनको बहुत तरह की परेशानियाँ और बहुत तरह के बीमारियों से उनको मुक्ति मिलेगी और उनका पैदावार अन्य किसानों से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, तो समय पर ज़रूर हर काम को करना चाहिए हमारे किसान भाई को। अब ऐसा नहीं कि लगा दिए हैं 20 दिन के बाद निकाई गुड़ाई करना है, 40 दिन के बाद करना है, टॉप ड्रेसिंग करना है, नहीं और किसान नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल किसान भाई, निश्चित रूप से जो जानकारी आपको मिली है इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, आप इसे खेतों में अपनाएं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों आपसे भी चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।